पर आपको बताते चले, जहां विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन आज होगा। 6 नवंबर को नामांकन भरेंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में। हालांकि खड़गे 6 नवंबर को उम्मेद स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में शिरकत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मेद स्टेडियम में जनसभा होगी जहां पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को 6 नवंबर को बोलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत के नामांकन में शिरकत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये 6 नवंबर को, दरअसल 6 नवंबर तक ही आखिरी तारीख है नामांकन प्रक्रिया को पूरी करने की, और 6 तारीख को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके शक्ति प्रदर्शन के लिए, उनकी मजबूती को दिखाने के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। तो 6 नवंबर को आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेहरा था कांग्रेस की तरफ से राजस्थान की बात करें तो वो थे टोंक से प्रत्याशी सचिन पायलट। सचिन पायलट ने सबसे पहले अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब यही सबकी नजर बनी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब अपना नामांकन दाखिल करते हैं और क्या सीएम अशोक गहलोत के नामांकन में कोई दाखिल होता है, तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़े हुए। रंजन, चुनावी सभा को संबोधित भी किया जाएगा 6 नवंबर को, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत के। जी देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा संदेश भी है। हाँ। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्थिति रहने वाली है अशोक गहलोत का नामांकन के लिए, पहले एक संभावित तारीख 3 तारीख आई थी, उसके बाद में अनिश्चितता के मद्देनजर अब ये तारीख 6 बताई जा रही है। और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वे स्वयं यहाँ मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा यहाँ के जो राजकीय उम्मेद स्टेडियम है वहाँ एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम टेंटेटिव रूप से सामने आया है। तो निश्चित तौर पर नामांकन का आखिरी दिन भी ये माना जा रहा है, और इस आखिरी दिन के लिए जिस तरीके की कवायद की जा रही है, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग इस नामांकन जलसे में शामिल होंगे। यहाँ जोधपुर से और सरदारपुरा के साथ साथ जो अन्य विधानसभाओं से जुड़े लोग हैं वे भी इस सभा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 तारीख को अशोक गहलोत का नामांकन यहाँ जोधपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेसी खेमा उत्साहित भी है और तैयारी भी की जा चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी 6 नवंबर को, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में खुद शिरकत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब अगली खबर की तरफ रुक